कानपुर के जाफरान होटल में वास्तु संजीवनी की तरफ से वास्तु अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें वास्तु विशेषज्ञ नीना एस अरोड़ा ने अपने वास्तु शास्त्र के बारे में लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम की शुरुआत लोगों से तेज आवाज में तालियां बजवाकर की गई और तेज चिल्लाने के साथ की गई। इसके बाद उन्होंने बताया कि वास्तु एक विज्ञान है, जिसकी तकनीक से आप अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों ने वास्तु को लेकर कई तरह की भ्रांतियां पाल रखी हैं, जिसमें घर बनवाने के दौरान सीढ़ियों की संख्या, किचन की दिशा, बेडरूम के सामने मिरर जैसी तमाम भ्रांतियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह बीमारी का इलाज है, उसी तरह आपकी और भी समस्याओं का इलाज वास्तु में उपलब्ध है। वास्तु के लिए बहुत सी भ्रांतियाँ लोगों ने पाल ली हैं, वो उसको एक सुपरस्टिशन मानने लगे हैं, जबकि वास्तु उनको उनकी समस्याओं का समाधान देता है। और लोगों को नहीं पता है इस बारे में कि उनकी समस्याओं का समाधान वास्तु से हो सकता है। तो लोगों को अवेयर कराने के लिए कि वास्तु उनको कैसे हेल्प कर सकता है, हमने ये फ्री वर्कशॉप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ की है।